गाइस, वेलकम टू अमेज़न फूडटेक। गाइस, आज हम एक ऐसी साइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप जैसे कोई फ़ोन लेते हैं, अपने फ़ोन परचेज़ करा सेकेंड हैंड, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो फ़ोन कहीं चोरी का तो नहीं है, कहीं उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा। क्योंकि अगर ऐसा चल रहा होगा और आपने वो फ़ोन ले लिया, तो आप उस फ़ोन के थ्रू दिक्कत में आ सकते हैं। आपको के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे पुलिस का केस हो सकता है। अगर उस फ़ोन पे पुलिस केस हो रखा है और आपने वो फ़ोन ले लिया और आपने सिम डाल के वो चला रहे हैं, तो लोकेशन ट्रेस करके पुलिस की दिक्कत आ सकती है आपको। आप फालतू में किसी भी चक्कर में पड़ सकते हैं। तो उससे निकलने के लिए, अगर आप अपना कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं, तो आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो फ़ोन कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। कहीं अगर ब्लैक लिस्टेड हुआ, अपने वो फ़ोन ले लिया, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो उसको हम चेक करने के लिए आज हम इस साइट पे देखेंगे। लेकिन गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं इसी तरीके की, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो और कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। इस वेबसाइट से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी फ़ोन जो हम लेने वाले हैं या जो हमारे पास है, वो कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। उसके लिए हमें एक EMI उस अपने फ़ोन का IMEI नंबर चाहिए होगा। उस नंबर के थ्रू हम ये पता लगा लेंगे कि ये फ़ोन ठीक है कि नहीं है। हमने IMEI नंबर डाला यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करा। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते के साथ ही आपको एक इमेज आएगी। इस इमेज को आपको फिल करना है सही से। ऐसे फिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे वेरीफाई भी क्लिक कर देंगे और चेक पे। ये देख लीजिए, मेरा फ़ोन है Redmi 3S Prime, और इस पर कोई केस नहीं चल रहा है। गाइस, मेरे पास कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो। मैं आपको ये चीज़ तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ, यही 99% श्योर हूँ कि इस साइट से आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो गाइस, अगर अभी तक आप देख सकते हैं ये, और आपको IMEI नंबर चेक करना नहीं आता है, तो *#06#, ऐसे मोस्टली लोगों को पता होगा कैसे करते हैं ये। उसको आप निकालने के बाद आपको बस जस्ट फिल करना है। यहाँ पे लिखा है एंटर IMEI नंबर हेयर, यहाँ पे फिल करके नो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको अगर इमेज दिखती है, तो उस इमेज को सही से फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आप यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज, अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आपको सजेशन भी करना हो हमारी वीडियोस पे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ गाइज हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और गाइज, कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन लेते समय ज़रूर चेक कर लें कि कहीं वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। क्योंकि गाइज, अगर आप ब्लैक लिस्टेड फ़ोन लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ गाइज कोई ब्लैक लिस्टेड फ़ोन ना लें। और गाइज, हमारी जो जितनी भी वीडियो रहती हैं, वो खाली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहती हैं। उसका कोई मिसयूज़ ना करें। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।